नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। आप सरसों का साग इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपका साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी के साथ। इसके लिए हमने लहसुन की कुछ कलियां कुंडी डंडे में ले ली और हम दरदरा उसे पीस लेंगे। अगर आप सरसों के साग को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि उसमें आप मक्की का आटा डालिए। हम यहाँ पर एक कौली मक्की का आटा ले रहे हैं। अगर मक्की का आटा ना हो तो आप उसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। हमने सरसों के साग को धो कर काट कर बॉईल कर दिया था, साथ में हमने उसमें थोड़े से चावल डाल दिए थे। और हम यहाँ पर ले रहे हैं प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हमने उसको घोट भी लिया है। घोटना होता है मतलब हल्का हल्का उसको पीस लिया है। इसे बॉईल करने के लिए आप थोड़ा सा पानी डालिए, साथ में आप हरी मिर्चें और अदरक, नमक और थोड़े से चावल भी डाल सकते हैं। अब हम सरसों के साग में तड़का लगाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सरसों का तेल ले लिया, उसमें हमने डाल दिया जीरा। जीरे को हम भून लेंगे। जीरा भून जाने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च को आप चाहें तो पूरा डाल सकते हैं, हम यहाँ पर तोड़ कर डाल रहे हैं। जब मिर्च की खुशबू आने लग जाए उस वक्त जो आपने लहसुन को थोड़ा कूट के रखा था वो इसमें डाल दीजिए। अब हमें लहसुन को अच्छे से भूनना है। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने लगे तब हम बाकी चीज़ें इसमें डालेंगे। अब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, इस वक्त हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने लंबा लंबा काट के रख दिया था। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इस तरह से साग बनाएंगे तो आपका साग बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगा और साथ ही साथ में ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। प्याज को भी हमें थोड़ी देर भून लेना है। जब प्याज थोड़ा सा भून जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक। अदरक डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे। हमने मिर्चें पहले भी डाली थी तो अपने स्वाद अनुसार मिर्चों को डालिएगा। अब टाइम आ गया है कि हम इसमें डाल दें धनिया पाउडर। हमने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और साथ में हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मेथी पाउडर। मेथी को भी हमने भून कर पीस कर रखा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है तो आप इसे इसमें डाल दीजिएगा। अब हम इन सब मसालों को प्याज के साथ मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो अब हम इसमें ले रहे हैं मक्की का आटा। मक्की का आटा ना हो तो आप इसमें बेसन ले सकते हैं। तो इसको भी हमें तड़के में अच्छे से भूनना होता है, हमें लास्ट में नहीं डालना है। जब प्याज थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद हमें ये डालना होता है। तो हमें इसे लगभग तड़के में पकाना होता है। जब इसे अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगे तब तक इसे पकाना होता है। इसे कच्चा मत रखिएगा। जब आप इसे पूरी तरह से पका देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही उभर कर आएगा। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तेल अलग हो चुका है और जो हमारा प्याज है वो भी भुन चुका है। हम इसमें टमाटर नहीं डाल रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि जो हमने सरसों का साग घोट कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। सरसों का साग काफ़ी हेल्दी होता है और सर्दियों में तो बहुत ही खाया जाता है। तो आप इसको चपाती के साथ, मक्की की रोटी के साथ खा सकते हैं। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप फटाफट सरसों का साग बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, मार्केट से सरसों का साग जब लाते हो तो उसे धो कर बॉईल करके रख दीजिए। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसे 2-3 सब्जी बना सकते हैं। बस आप जब भी आपको खाना है तो तड़का फ्रेश लगा दीजिए। वो बॉइल्ड साग जो है सर्दियों में 2-3 बार यूज़ हो सकता है। बस अब हमें, जब हम इसे तड़के में डाल देंगे, हमें इसे अच्छे से भूनना है क्योंकि आप इसे जितना ज़्यादा भूनेंगे ये उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अगर आपने साग पहले ही बॉईल करके रखा है तो आपका साग फटाफट बन जाएगा, और अगर नहीं भी करके रखा है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे बॉईल करने के लिए आपको साग को धोना होता है, काट के कुकर में डालना होता है। साथ में आप अदरक डाल दीजिएगा, हींग डाल दीजिएगा, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा मुट्ठी भर चावल और थोड़ी लहसुन की कलियाँ भी डाल सकते हैं।
बस हम उसे बॉईल कर देंगे। एक सीटी आप फुल आंच में दे दीजिएगा, उसके बाद उसे 10 मिनट के लिए पका दीजिएगा और फिर गैस को ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद हमें उसे घोट कर रख लेना है और फिर आप इस तरह से तड़का लगाकर उसे तैयार कर लीजिएगा। तो अब हम इंजॉय करते हैं गर्मा गर्म सरसों का साग। तो आप भी इस रेसिपी से सरसों का साग ज़रूर बनाइएगा, आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी और आपका सरसों का साग बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनेगा। ऊपर से आप अगर इसमें घी डाल दो तो इसका स्वाद दो गुना बढ़ जाता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह से कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस, नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।